रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मध्य निषेध की परीक्षा में कई जिलों में मिली नकलची, नकल में उपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हुई बरामद। एनएमएससीएच के डॉक्टर को किया गया निलंबित, लापरवाही का लग रहा था आरोप। काली पूजा और छठ पूजा को लेकर थाना अध्यक्ष की शांति समिति बैठक, उपद्रवियों पर होगी सख्त कार्रवाई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने नगर निकाय चुनाव में लगाया धांधली का आरोप, लिखित पत्र देकर कार्रवाई की मांग। अमेजॉन स्टोर में लाखों रुपए की हुई चोरी, अज्ञात चोर मौके से हुए फरार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। पश्चिम चंपारण रामनगर प्रखंड के बावल में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन और सहयोगी संस्था परमार्थ ने बाल विवाह मुक्त भारत जागरूकता कार्यक्रम के तहत कैंडल मार्च निकाला, लोगों को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि बाल विवाह अभिशाप है, लड़कियों की शादी 21 साल के बाद ही करने की अपील की है। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मनीष पांडे समेत कई जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेंस फाउंडेशन के सौजन्य से परमार्थ संस्थान द्वारा आज भावल पंचायत के वार्ड नंबर 10 के महादलित बस्ती में मोमबत्तियां जलाकर लोगों को यह समझाया गया कि बाल विवाह एक अभिशाप है और बाल विवाह मुक्त भारत बनाना है। बाल विवाह हमारे समाज के लिए एक कोढ़ की तरह है। जो बच्चियां कम उम्र में शादी करा दी जाती हैं बहुत जल्द बूढ़ी भी हो जाती हैं और कई बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। तो इस कार्यक्रम में परमार्थ संस्थान के सभी सदस्य शामिल रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। खबर भागलपुर से है, जहां जिले के कजरेली थाना क्षेत्र स्थित पचियारी बहियार टिकरा बगीचा में 32 वर्षीय युवक का शव बरामद हुआ, जिसे देखने से ये लगता है कि युवक की चाकू से गोदकर हत्या की गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुट गई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष शैलेंद्र शुक्ला ने नगर निकाय चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन कर चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए प्रेस वार्ता की है। उन्होंने बताया कि सांसद, मेयर और उप मेयर ने चुनाव प्रभावित करने को लेकर सरकारी बीजों का वितरण कराया है। जिला अध्यक्ष शैलेंद्र शुक्ला ने जिला पदाधिकारी और सह जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखित पत्र देकर जिला बदर करने की मांग की है। गंडक प्रोजेक्ट की वह जमीन हम लोगों को मालूम है, हम लोग पता लगवा रहे हैं और उस गंडक प्रोजेक्ट के जमीन को न पता अतिक्रमण कहा जाए या गंडक प्रोजेक्ट लोग सोए हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हम लोग उसको आरटीआई से मांग कर और फिर जैसी बात होगी उसको उजागर करने का। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां राम जानकी के प्रांगण में सनातन धर्म सेवा मंडल के तत्वाधान में एक दिवसीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें श्री परमानंद परमार बाबा की अध्यक्षता में संत समाज और ग्रामीण जनता के सहयोग से रविवार को आयोजन संपन्न किया गया। बता दें कि संत मंडल के मंडेश्वर श्री 108 श्री चंद्रभूषण दास श्री महाराज और अध्यक्ष जी नारायण दास जी महाराज के साथ योग गुरु जोगादास भी शामिल रहे। मठ मंदिर की रक्षा, संतों के कल्याण के लिए यह सनातन संत सेवा मंडल का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। मैं इस राम जानकी मंदिर बैतापुर का महंत हूँ और मेरे द्वारा सभी संतों को सम्मान किया गया है और संतों के द्वारा मुझे सम्मान करते हुए महंत के रूप में सम्मान किया गया है। पाग बांधते हुए लौरिया प्रखंड के देउरवा पंचायत के अध्यक्ष मोहम्मद सुलाम बरसात के पानी से होने वाले जमाव से निजात दिलाने के लिए बाढ़ में जल निकासी के लिए नालियों और नाले का निर्माण कार्य करवा रहे हैं। वहीं बाढ़ में जल निकासी के कार्य से ग्रामीणों में खुशी की लहर है।
विकास तो मेरे पंचायत में हुआ है और जो है अभी विकास करने का जो है मौका मिला है हमको, जैसे जैसे और विकास एक छठ घाट का निर्माण भी हमको कराना है। पंचायत सरकार भवन का जो है जमीन का जो है नापी दे दिया गया, जमीन उपलब्ध करा दिए हैं और उसको जो है कर्मचारी वगैरह आकर जो है उसका जो है जमीन और अमीन जो है आकर जमीन का नापी वगैरह करके प्रपोजल जो है सौंप दिया है। तो हम चाहते हैं कि मेरे पंचायत में पंचायत सरकार भवन बने, जिससे जनता की कठिनाइयां जो दूर हो, खारिज दाखिल आधार कार्ड वगैरह सुधरवाने के लिए जो है यहीं जगह अगर पंचायत सरकार भवन बन जाता है तो उससे सारे जनता को सुविधा जो है पंचायती में मिले। भागलपुर में थाना अध्यक्ष ओपी के नेतृत्व में वाहन चोरों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने इस संबंध में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से बड़ी संख्या में मोटरसाइकिल और अन्य वाहन भी बरामद किए गए हैं। साथ ही लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी गौरव कुमार ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी है। ये लोग जो इंजन है, जो भी शहरी क्षेत्र से या उसके आसपास के थाना क्षेत्र से ये लोग जो इंजन जो है चोरी का, वो जुगाड़ गाड़ी में इस्तेमाल करने का एक छोटा जो है इंडस्ट्री ये लोग आसपास शहरी इलाके में स्थापित कर रहे हैं। और ये जो फॉरवर्ड लिंकेज जो है उद्भेदन किया गया है पुलिस टीम द्वारा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सिटी एसपी साहब का मॉनिटरिंग भी था इसमें, तो हम लोग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उद्भेदन किया है। और बहुत सारे ऐसे थाना हैं जो अभी विगत कुछ सप्ताह में, जैसे कि घोगा है, तिलका मांझी है, सुल्तानगंज है, ये सब मिलके बहुत सारा जो चोरी का मोटरसाइकिल है वो बरामद किया गया है। और इसी कड़ी में बरारी थाना, जो कि शहरी अनुमंडल है, वहाँ पे अंकज कुमार को गिरफ्तार किया गया है। भागलपुर में नाबालिग बच्ची के साथ गांव के ही दबंग युवक ने दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी दी है। पीड़िता के परिजनों ने आरोपी युवक के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पूरे मामले में एसएसपी बाबूराम ने बताया कि पीड़ित पक्ष ने थाने में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया है। जल्द ही आरोपी युवक को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक केस दर्ज हुआ है, बलात्कार का केस दर्ज हुआ है। जो पीड़िता है वो नाबालिग है, उसकी मेडिकल जांच कराई गई है और महिला थाना में केस दर्ज हुआ है। महिला थाना अध्यक्ष को और मधुसूदनपुर थाना अध्यक्ष को गिरफ्तारी के लिए निर्देश दिया गया है। अभियुक्त फरार है, लेकिन जल्दी इसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। कैमूर के चांद प्रखंड मुख्यालय पर बिहार सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री और पंचायती राज मंत्री के लिए अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के आयोजक विजयलाल यादव और रजनी गंधा ने विरहा प्रोग्राम कर जनता का मनोरंजन किया। वहीं कार्यक्रम में दोनों नेता 2 घंटे देर से पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम लोग जमीनी नेता हैं, जो विकास कार्य अधूरा रह गया है उसे गाँव-गाँव तक पहुँचाने का हमारा लक्ष्य है। विकास का है, आप देख रहे हैं कि महागठबंधन परिवार मिलके पूरे बिहार का विकास कर रहे हैं लोग, आप देख भी रहे हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं है। किसी भी डिपार्टमेंट का उठाकर देखिएगा तो हर मंत्री लगे हुए अपने काम में, काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर बिहार में वो काम हम सब लोग मिलकर करने जा रहे हैं, शायद और कहीं प्रदेश में नहीं हुआ होगा। विकास का मामला ही होता है, रोड का मामला है, सिंचाई की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था है, इसमें बहुत सारा काम हो गया है। जो अपूर्ण रह गया उसमें हम लगे हुए, काम पूरा हो जाए। कैमूर के चांद प्रखंड मुख्यालय अभिनंदन समारोह में मुख्य अतिथि पहुंचे बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने एनएमसीएच के डॉक्टर के निलंबन पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि चाहे वो डॉक्टर हो या फिर कोई अन्य पदाधिकारी काम नहीं करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार विकास का काम करती है, जो गड़बड़ी करेगा उसके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। मुर्जा नहीं चलेगा, जो सही काम नहीं करेगा, पहले ही दोनों का मामला है। ये लोग बैठ कर बात किए हैं, कांग्रेस थे, हमारे सबों ने बैठ कर बात किया है कि हम विकास की लड़ाई लड़ेंगे, विकास चाहिए सबको, विकास के लिए कुछ भी कार्रवाई करना होगा तो किया जाएगा, विकास होगा, गड़बड़ रहेगा कार्रवाई की जाएगी। सीएम नीतीश कुमार की सरकार से बर्खास्त चल रहे पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह लगातार उनकी आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने किसान सम्मेलन की सभा में कहा कि पिछले 17 साल से प्रदेश में नीतीश कुमार की सरकार है, फिर भी किसानों की मांगों को अनसुना किया जाता रहा है। पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया है कि सरकार में मंत्री का पद चपरासी का हो गया है, जो सिर्फ कार्यालय में मुहर लगाने का काम करता है।
मोतिहारी में बेखौफ हथियार बंद बदमाशों ने कपड़ा व्यवसायी रमेश तिवारी और उनकी पत्नी को गोलीबारी कर घायल कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। पुलिस ने बताया कि 2 महीने पहले भी व्यापारी से 10 लाख की रंगदारी का मामला सामने आया था। मामले की जाँच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। बिजली के शॉर्ट सर्किट से घर में खड़ी बाइक में आग लग गई, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से बुझाने का काम किया जा रहा था। तभी बाइक में हुए अचानक विस्फोट से 19 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोतिहारी में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंचे आरओ वेद प्रकाश ने घटनास्थल का निरीक्षण कर घायलों को उचित मुआवजे की जानकारी दी है। 2 महीने पहले अपने नाना के घर से लापता हुई लड़की खुशी का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। परिजनों ने बताया कि मैट्रिक परीक्षा में कम नंबर आने से उसकी बेटी घर छोड़कर चली गई थी। पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में पाया कि पीड़ित की बेटी आखिरी बार रेलवे स्टेशन पर दिखाई दी थी। परिजनों ने लड़कियों का पता लगाने वालों को 21,000 रुपए की नगद पुरस्कार की घोषणा की है। वहीं पूरे मामले में SSP जयंत कांत सर्विलांस की मदद से जाँच में जुटी है। इस मामले में जो एक बच्ची है और अपने स्कूल के एग्जामिनेशन में कम मार्क्स लाने के कारण जो घर वालों का जो कहना है घर से चली गई थी, और इसके बाद में पुलिस ने उस केस में लगातार इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन से इसे लगभग उस इंसिडेंट के प्लेस से 300 से 400 किलोमीटर आगे तक के पुलिस की टीम ने उस व्यक्ति को ट्रेस करने की कोशिश की, उस बच्ची को ट्रेस करने की कोशिश की, और इसमें आगे भी हम लोग जो है लगातार वर्क कर रहे हैं। हमारी बेटी खुशी जो निकली थी वो बहुत जगह स्टेशन पर इधर उधर भटक रही है, वो हम लोग अभी तक के सीसीटीवी कैमरा फुटेज में जो देखे हैं तो उसमें सही है, जो सुसाइड नोट लिख के निकली थी। तो हम लोग को भी आशंका था जो कहीं वैसा तो नहीं कर ली, लेकिन जो देखे हैं उसमें वो सही है, लेकिन कहीं भटक गई है और ये नहीं पता चल पा रहा है जो अभी कहाँ है, किस हाल में। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां दरभंगा फोर के बीच में एक व्यक्ति का शव मिलने से आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई। मुजफ्फरपुर के MDDM कॉलेज में छात्राओं ने जमकर हंगामा किया और शिक्षकों पर आरोप लगाया कि परीक्षा के दौरान पुरुष शिक्षक ने पहले तो कान में ब्लूटूथ चेक करने के नाम पर हिजाब हटाने को कहा, और फिर हिजाब हटाकर चेक होने के बाद शिक्षक ने उन्हें हिजाब को हटा कर रखने को बोला और शिक्षक को धर्म के नाम पर फायदा उठाने की टिप्पणी भी की। उसके बाद बोल रहे हैं कि मतलब पेपर दे रहे थे हम लोग बैठ के आराम से, उसके बाद कहते हैं कि हिजाब खोलो अपना, और वो टीचर थे लेडीज टीचर नहीं जेंट्स टीचर, बोलते हैं हिजाब खोलो, कान दिखाओ, तुमने ब्लूटूथ लगाया, ठीक है हमने कान दिखाया, बोला ठीक है कान देखो ब्लूटूथ नहीं है हमारे कान में, फिर कहते हैं इसको खोल के हटाओ, धर्म के नाम पे तुम लोग फायदा उठाते हो, ये करते हो वो करते हो। तो मुझे जो लगता है कि शायद इस लड़की का अटेंडेंस कम होगा, परीक्षा की तैयारी उतनी अच्छी नहीं रही होगी, लड़की क्वेश्चन पेपर देकर के घबरा गई होगी, और हो सकता है कि ब्लूटूथ का वो यूज़ भी कर रही होगी जिसके कान से वह नहीं कान दिखाना चाह रही थी, क्योंकि यह एक ऐसी बात थी कि वो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी कि कान दिखा दो कि ब्लूटूथ का यूज़ तो नहीं कर रही है, तो कोई भी नॉर्मल इंसान वो दिखा देता, बात वहीं ख़त्म हो जाती। पर इसको इस तरह का इशू बनाना, तो ये दो बातें होंगी, और तीसरा जो मैंने कहा है जिसकी मुझे एक अंदेशा है कि इसके पीछे कुछ असामाजिक तत्व भी लगे हुए हैं कि इस कॉलेज का माहौल ख़राब किया जाए, और इसका जो इसकी जो पृष्ठभूमि रही हुई है, इसके जो इतिहास रहा हुआ है, उसको धूमिल किया जाए। खबर नालंदा से है, जहां भागन बिघा ओपी इलाके के बबूर बन्ना मोहल्ला में बकाया रुपए मांगने पर दो पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए, जिसमें दोनों पक्ष घायल हो गए, जिसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घायल ने आरोप लगाया कि 1,80,000 बकाया रुपए की मांग करने पर दो पक्षों में मारपीट शुरू हुई थी।
पैसे के लेन देन में कि आज डेट है तो पैसा दीजिएगा ना भाई, तो नहीं पैसा में तो दुकमे में हुआ। अच्छा। तो आज सूरज को पीटा गया, सूरज को जब पीटा गया, किसने पीटा था? थे अवधेश जी उसका लड़का, यही लोग पीटा दो महीने के बाद। तो इतने में जो है मनोज जी शायद अम्बा में थे या कहीं थे, उनका जो है पत्नी विनीता देवी जो है फोन किया, फोन करके मनोज के बुलाए, बुलाया और बोले कि आपका मैंने सूरज बड़का लड़का बा के मार पीट रहा फलानमा। अब घर बा बलगी में है दोनों, मात्र 10 बांस के दूरी पर घर है दोनों, एक ही जगह घर है। तो इतने में मनोज जी और विनीता देवी थे अवधेश रविदास जी के घर पर गए, तो गए तो विनीता जी अब बयान दे रही है जैसा कि हमको ढकेल के बाहर कर दिया और हमारा पति को भी दूसरा रूम में बंद करके पीटा, जिसमें माथा का पाड़ फटा हुआ है। यही कहानी है, पैसा का लेन देन मुख्य वजह है। केंद्रीय चयन परिषद ने नालंदा के 8 केंद्रों पर मद्य निषेध उत्पाद अनिबंध विभाग में सिपाही पद पर बहाली को लेकर लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया है। परीक्षा के दौरान बड़ी संख्या में नकलचियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से परीक्षा में उपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस भी बरामद की गई है। सदर DSP डॉक्टर शिल्पी नोमानी ने केंद्रों का निरीक्षण कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। 42 जो परीक्षार्थी हैं उनको कदाचार करते हुए पकड़ा गया है, इसमें हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन लोगों के पास से बरामद हुई है, इसके संबंध में हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर विधिवत अनुसंधान प्रारंभ किए। जन अधिकार पार्टी युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवी हिलसा विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पहुंचे। उन्होंने महिला फुटबॉल का शुभारंभ कर मैच का आनंद भी लिया। जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष ने वर्तमान की भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए कोई काम नहीं किया है। मोकामा और गोपालगंज में होने वाले उपचुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। उन्होंने जितना बोला था वो कहीं धरातल पर उतरा नहीं है, तो आप साफ तौर पर मान लीजिए कि अभी विपक्ष की भूमिका में कौन है जो केंद्र में है, और केंद्र में जो पहले थी, जो अभी कुछ दिन पहले पक्ष की भूमिका में भी थी, सत्ता में भी थी, और 2 बार से केंद्र में सत्ता में है, और बिहार को और देशवासियों को जो उन्होंने आश्वासन दे के गया था वो कहीं पूरा थोड़े कर दिया है। तो जनता देख न रही है कि हमें रोज़गार मिला नहीं, महंगाई किस कदर बढ़ चुकी है, और फिर जनता भूल नहीं करने जा रही है। आप समझ ही गए हो कि अब वोट किसको करेगी। थाना अध्यक्ष राजकुमार प्रसाद के नेतृत्व में काली पूजा और छठ पूजा को लेकर थाना परिसर में शांति समिति बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि शांति, सद्भाव और भाईचारे के साथ सभी से त्योहार मनाने की अपील की है। इस बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला परिषद उपाध्यक्ष, शांति समिति के सदस्य और कई अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सहरसा में मद्य निषेध के सिपाही भर्ती परीक्षा को 7 केंद्रों पर आयोजित की गई है। परीक्षा के दौरान 19 छात्र और छात्राओं को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से नकल करते पकड़ा गया। जिला अधिकारी आनंद शर्मा ने नकल की सूचना पर परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर पूरे मामले के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। कोई मामला नहीं है, वो बच्चे को हम लोग फ्रेशिंग कर रहे थे, उसी के दौरान वह डिवाइस और ब्लूटूथ मिला है, उसी में हम लोग सबको पकड़ के भेजे हैं। परीक्षा हम लोग बच्चे को 9 बजे से प्रवेश दिलाए हैं, 9:30 बजे के बाद वो लोग पकड़ाया। हाँ, 3 महिला है और 3 पुरुष। राजपथ परिवहन निगम के प्रतिष्ठान अधीक्षक रमेश चौधरी ने ड्राइवर के पद पर तैनात 2 कर्मियों को परिसर में शराब पीने से मना करने पर उनकी जमकर पिटाई कर दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रतिष्ठान अधीक्षक को अन्य कर्मियों की मदद से सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मुन्ना ठाकुर और राम पुकार यादव दोनों कंट्रोलर है, शराब पी करके रोज कुछ न कुछ बदमाशी करता है, उसी के लिए जैसे रोज झगड़ा होता है। ड्राइवर सब को भी बहकाता है कि DS का बात मत मानो, ये बदमाश है, ये है, वो है, जो होता है यही सब
बात है, अभी भी संचालन को बाधित किए हुए है। दिक्कत ये है कि हम संविदा चालक हैं, यहाँ पदाधिकारी को मारा जाता है, पीटा जाता है कर्मचारी के थ्रू, और वो कर्मचारी बाहरी लोग को बुला के मारते हैं, ऐसा होता है यहाँ। कल यहाँ डिपो सुपरिटेंडेंट होते हैं, उनको मारा गया है, और यहाँ राजनीति चलता रहता है। सहरसा जिले में स्थित अमेजॉन स्टोर पर चोरों ने लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। कंपनी के सुपरवाइजर ने बताया कि स्टोर से 10 से 12 लाख की कीमती सामानों की चोरी हुई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर अज्ञात चोरों की गिरफ्तारी के निर्देश भी जारी किए हैं। कैश करीब 4,16,000 समथिंग है, और जो लैपटॉप मेरा जो वर्क करने वाला 4 लैपटॉप ले गया है, प्लस में पार्सल में जो आता है लैपटॉप, वो 2 लैपटॉप का भी कवर नजर आ रहा है जो फाड़ा हुआ है, और मोबाइल कुल मिलाकर के 12-14 लाख रुपए का। बक्सर के ऐतिहासिक किला मैदान में होने वाले सद्भावना बचाओ देश बचाओ अभियान में जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का उनके ही पार्टी के लोगों ने काला झंडा दिखाकर विरोध किया, साथ ही जदयू के कार्यकर्ताओं की आपस में खूब झड़प भी हुई। बिहार की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।